अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की खुशी देश भर में मनाई जा रही है। इसी कड़ी में भोपाल में साथी संगठन द्वारा विभिन्न कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों की छात्र छात्राओं द्वारा धार्मिक जागरूक यात्रा निकाली गई। जनरैली के उद्देश्य होने वाली रामलला प्रतिष्ठा को लोग धूमधाम से मनाए और कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर अमित गुप्ता ने बताया कि 22 जनवरी 2024 यानी आज का दिन ऐतिहासिक होने जा रहा है। सभी धर्म के लोग रामधुन का पाठ कर रहे हैं, साथ ही सभी धर्म स्थलों से अपील की है कि सभी राम धुन को चलाएं और राम नाम के जाप करें। संगठन द्वारा हम लोगों ने एक स्टूडेंट्स की रैली करी है। इसमें ऐसे लोगों को शामिल किया गया है जो अलग अलग कॉलेजों के अलग अलग कोचिंगों के बच्चे हैं। इस रैली का मुख्य उद्देश्य कल 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसके लिए लोगों में जन जागरण लाना। हमारा साथी संगठन का आह्वान है, कल 22 जनवरी 2024 ऐतिहासिक दिन होने वाला है। सभी धर्मों के लोग, सभी समाज के लोग मिल बांट कर राम धुन का पाठ करें। चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारे हो या चर्च हो, सभी जगह सबसे आह्वान है कि राम धुन का अपने अपने संस्थानों में चलाएं। राम नाम का स्थापित होने की तैयारी हो रही है। राम राज्य मतलब होता है जिस राज्य में, जिस धरती पे ना कोई क्राइम होता है, सब में समानताएँ होती है, सब में प्रेम होता है। राम राज्य के समय में, भगवान राम के समय में कोई भी कभी भी भूखा नहीं सोता था, कभी किसी के ऊपर किसी तरह का भेदभाव नहीं होता था। वही रामराज्य लागू करने की कोशिश की जा रही है और हमारा देश इसमें पूरी तरह से सक्सेसफुल होगा, ये हमें अच्छे से मालूम है। सारथी संस्था ये युवाओं को, कॉलेज के बच्चों को, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बच्चों को, स्कूल के बच्चों को मेडिटेशन सिखाना, ध्यान लगाना, मंत्रोच्चार करना, देश सेवा, हमारे प्रदूषण के खिलाफ काम करना, वृक्षारोपण करने जैसी बहुत सारी चीज़ें